झांसी रानी चौक से बस स्टैंड रोड और न्यू म्यूनिसिपल स्कूल से कलड़े चौक, यह डामरीकरण रोड काम निर्माणाधीन था, लेकिन कई महीनों से ये बंद पड़ा था। तब लोगों ने आंदोलन कर रास्ता रोको किया और पालिका को रीतसर निवेदन दिए। तब भी यह डामरीकरण का काम जस का तस था। काम शुरू करने का नाम भी डीके कंस्ट्रक्शन आरवी नहीं कर रहा था। इस संबंध में जो आंदोलन कर रहे थे डॉक्टर आदर्श गुजर, इनसे सविस्तर जानकारी लेने के बाद इन बीसीएनस के न्यूज का इम्पैक्ट आइए देखते हैं। झांसी रानी चौक से बेस रोड और न्यू म्यूनिसिपल स्कूल से कलोड़े चौक, यह डामरी रोड का काम निर्माणाधीन था, लेकिन कई महीनों से बंद पड़ा था। तब लोगों ने आंदोलन रास्ता रोको किया, पालिका को रीतसर निवेदन भी दिया गया। तब भी डामरीकरण का काम जस का तस था। काम शुरू करने का नाम डीके कंस्ट्रक्शन आरवी नहीं कर रहा था। इस संबंध में जो आंदोलन कर रहे हैं डॉक्टर आदर्श गुजर, इनसे सविस्तर जानकारी लेने के बाद उस बारे में पूरी खबर इन बीसीएन न्यूज ने मंगलवार 17 मार्च को प्रसारित की। तब हिंगनघाट नगर पालिका प्रशासन अधिकारियों में खलबली मच गई। इस रोड और साइट पर अपना डेरा डाल के संबंधित ठेकेदारों से युद्ध स्तर पर काम शुरू किया गया। तब डॉक्टर आदर्श गुजर, इन्होंने इन बीसीएन न्यूज का धन्यवाद माना और आम जनता की आवाज आपके माध्यम से सुनी गई, ऐसा कहकर दोपहर से ही डीके कंस्ट्रक्शन आरवी ने युद्ध स्तर पर रोड बनाने का काम शुरू कर दिया है। तब नगर पालिका के दो इंजीनियर रोड के सुपरवाइजर पे रखे गए। तब मुख्याधिकारी नगर पालिका हिंगनघाट अनिल जगताप भी साइट पर काम का मुआयना करने आए। हिंगनघाट से इन बीसीएन न्यूज के लिए रवि एनोडकर की रिपोर्ट।